गाइज ये डेस्कटॉप लेवल 2 की जॉब सिक्योरिटी या फिर डेस्कटॉप लेवल 2 की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें क्या होती है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले बात करते हैं डेस्कटॉप लेवल 1 क्या होता है। डेस्कटॉप लेवल 1 यानी एक ऐसे लेवल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम पे काम करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे काम करते हैं यूज़र एंड पे। तो डेस्कटॉप लेवल 2 ये यूज़र एंड प्लस एडमिनिस्ट्रेटर इस दोनों के बीच में काम करता है गाइस, जहाँ पर आपको सर्वर का एक टेम्प्ररी एक्सेस होता है। बोलते हैं कि सर्वर का कुछ परसेंट एक्सेस होता है और कुछ परसेंट नहीं होता, जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, और यूज़र का फुल एक्सेस होता है। इस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है और एक करियर में रिस्क क्या है कि आप सर्वर को भी एक्सेस करते हैं और आप यूज़र को भी एक्सेस करते हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस, क्योंकि अगर आप लेवल 2 पे काम कर रहे हैं तो होप आप कुछ दिन में एडमिन बन जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिलेगी डेस्कटॉप लेवल 2 के बारे में। अगर आप 2 पे काम कर रहे हैं तो आपको कुछ कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र की इंफॉर्मेशंस, उसके बाद सर्वर की इंफॉर्मेशंस, और उसके बाद दोनों का कोऑर्डिनेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ। यूज़र का डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी सिक्योरिटी और उसका जो पूरा डेटा का मेंटेनेंस है वो आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर रहता है, कोई भी सर्वर, लिनक्स रहने दो, कोई भी सर्वर रहने दो, तो उस सर्वर की सिक्योरिटी, उसका डेटाबेस और उसकी कुछ पॉलिसीज़ है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उस पॉलिसीज़ को आप ब्रेक कर लेते हैं तो होप आप कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे अपने करियर में। तो प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप लेवल 2 पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ टाइम ले लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए, या फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत करें, कोर्स लगाएं, कुछ भी करें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें गाइस। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है और आप चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो होप ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लेवल 2 के लिए, इंजीनियर्स के लिए। ये वीडियो बनाने का कोई बड़ा मोटिव मकसद नहीं है गाइज, बस मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बाद डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे अपना करियर स्टार्ट किया है। तो मैं जानता हूँ कि लेवल 2 पे कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी जो आज मुझे लगती है कि अगर मैं उस टाइम कुछ अच्छा कोर्स करता है करता तो ये मिस्टेक्स नहीं होती, या फिर बहुत जल्द मैं उस लेवल पे आ जाता। लेकिन होप इस एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस होगी गाइस, तो कमेंट कीजिए, बताइए, और ऑल द बेस्ट। बस वीडियो बनाने का कोई बड़ा रॉकेट साइंस बड़ा मोटो बड़ा मकसद नहीं था, बस कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने थे कि आप अगर लेवल 2 पे काम कर रहे हैं तो रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कीजिए गाइस, क्योंकि करियर आपके हाथ में है कि आप कुछ दिन में एडमिन बन ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।